खाने। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, कल से मैं देख रही हूँ। मतलब कई ऐसी चीजें हैं जो मैंने पहली बार इस तरह से देखा है मैंने, और लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह उनके पूरे घर एकदम बह गए हैं, वो नेशनल हाईवे भी बह गया है, मनाली और जो लेह की तरफ जाता है वो वाला, उस पे भी हम गए कल, तो बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान देखा है। और हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है और कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहां जहां मैं जा रही थी, मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद हो जाए, जबकि उनका खुद का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो भावना है हिमाचल की जनता की, इसी भावना को लेकर ही सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, तमाम मंत्री खड़े हैं, इन्होंने 24 घंटे आपदा के समय भी और उसके बाद से भी काम कर रहे हैं, और काफी इन्होंने अनाउंस भी किया है किस तरह से मदद कर पाएंगे, जहां जहां कॉम्पेंसेशन देना है उसकी पूरी लिस्टें शायद कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे बना भी चुके हैं और देना शुरू भी हुआ है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि इसको नेशनल डिजास्टर, मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दें केंद्र सरकार, तो इससे बहुत प्रदेश का फायदा हो सकता है और मदद हो सकती है इस समय। बल्कि उनकी जो पॉलिसियां हैं वो थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ। क्योंकि कल भी मैंने देखा कि शायद G20 में जो सेब का इम्पोर्ट है अमेरिका से, उस पे ड्यूटी इन्होंने 25% या 20% कम कर दी है, 35 से 15 तक आ गई है। इसका मतलब है कि सेब का आयात आसान कर लिया है, जबकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, शिमला में खास तौर से जो सेब की पेटियां खरीद रहे हैं उनका दाम उन्होंने घटा दिया है। मतलब कि यहाँ के किसानों को कम मिल रहा है, आपदा से वैसे भी नुकसान हुआ है, उनकी मदद करने के बजाय आप अमेरिका के किसानों की मदद कर रहे हैं। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें, यहाँ देखें कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, खासतौर से जिनका नुकसान हुआ है। अगर इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए तो बहुत बहुत सुविधा हो सकती है जिनका नुकसान हुआ है। स्पेशल सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, विल यू बी टेकिंग अप दिस इश्यू, द कांग्रेस पार्टी विल बी टेकिंग इन पार्लियामेंट? आई थिंक इन फैक्ट प्रतिभा जी यस्टरडे वाज मेंशनिंग दैट शी वुड लाइक टू टेक इट अप इन पार्लियामेंट। वी डोंट नो व्हाट द स्पेशल सेशन विल बी अबाउट, वेदर दे विल अलाउ दीज इश्यूज टू कम अप, but we were discussing that even if that doesn't happen, a representation should go to the central government, and we will all put our strength in that and try to convince the government that they must declare it a national disaster zone, because it is only certain things can only be done by central government. The national highway, for example, that is in a bad condition, that can only be fixed by the national highway authority. And there are certain many other things that are in the prerogative of the central government. And this is not a time, kal bhi maine kaha, ye koi samay nahi hai ki na hame rajneeti karni hai ispe, aur mere khayal se mujhe nahi lagta ki koi aur bhi karna chahega. Is samay ye samay nahi hai ki wo dekhe ki yahan pe Congress ki sarkar hai ya Bhajpa ki sarkar hai. Ye ek aisa samay hai jahan is tarah ki jo aapada aayi hai pehle kabhi nahi hua hai aise. Aur लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं, उनकी मदद करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार को भी ये समझना चाहिए। हम तो वैसे भी कर ही रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।